अजित कुमार तिवारी यहाँ पे अथर्ववेद का टीचर हूँ। आजकल लोगों को ये भी नहीं पता कि कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मेरे यहाँ 7 साल तक बच्चों को निशुल्क रहना, खाना, पढ़ना, पुस्तक, वस्त्र निशुल्क दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आज बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है और आज इस दिन में, इस खास दिन को मैं और भी खास बनाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ हैं, एक बहुत ही अच्छा वेद ज्ञान लेने के लिए वेद विद्यालय है, संत पशुपतिनाथ आदर्श संस्थान है। इस विद्यालय में बहुत ही खास चीज़ है, ये बिहार का पटना का एक प्रथम विद्यालय है जहाँ की वेदों का ज्ञान दिया जाता है। केवल वेद ही नहीं, वेद के साथ साथ आप जो आधुनिक युग की सारी शिक्षाएं जो आप लेते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जो भी है, वो सारी चीज़ों का पढ़ाई भी यहाँ पे होता है। और बिहार में अलग अलग जगहों से, अलग अलग खास खास जगहों से, जो भी है हमारे राज्य, सभी राज्यों से बच्चे लोग आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई होती है और क्या जानकारी ले रहे हैं बच्चे लोग, और बच्चे लोग में क्या क्या बदलाव आया है, बच्चे लोग के अंदर मन में क्या चल रहा है। नमस्कार सर जी, अपना परिचय बताइएगा। सर, मेरा नाम अक्षय तिवारी हुआ और मैं इस विद्यालय का प्रचार हूँ और चल रहा हूँ। सर, कितने वर्षों से ये स्कूल चल रहा है? इस विद्यालय की स्थापना 2007 में किया गया था और 2007 से लगातार कंटिन्यू ये विद्यालय जो है चल रहा है। इसमें 7 महीने शुरू किया गया था, उस समय 6 बच्चे थे मेरे पास, 6 बच्चों से शुरू किया था। अभी मेरे पास 40-50 बच्चे हैं। यहाँ की सर पढ़ाई, खासकर जो वेदों का जो ज्ञान जो दिया जाता है, ये कितने लंबे समय तक यहाँ पढ़ाई चलती है? एक छात्र को किस उम्र में यहाँ पे आना पड़ता है और कितने लंबे समय तक यहाँ की पढ़ाई चलती है? मेरा एडमिशन जो होता है वो 8 साल से 12 साल के बीच के बच्चों का एडमिशन होता है और मेरे यहाँ 7 साल तक बच्चों को निःशुल्क रहना, खाना, पढ़ना, पुस्तक, वस्त्र निःशुल्क दिया जाता है। और 7 साल में हम लोग एक वेद का जो है पूरा ज्ञान देते हैं, और वेद के साथ साथ आधुनिक विषय, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, संस्कृत व्याकरण हुआ, ये हम लोग साथ में करवाते हैं। यह स्कूल की शाखाएं कहां कहां पर हैं? ये शाखाएं तो यूपी में, बनारस में तो तमाम है, बिहार में लगभग 4 या 5 जगह जो है। कितना वर्ष हो गया आपको यहां पर शिक्षा पाकर? जी 6 साल हो गया। 6 साल हो गया, तो 1 साल आपका और मात्र बचा है। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल और कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको वेद पढ़ कर खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम छपरा जिला से हैं। छपरा जिला से हैं आप? 6 साल हो गया यहाँ पे बिताकर, पता चला 6 साल? नहीं नहीं, पता तो उसे नहीं चला, वेद पढ़ लिए। सारी सुविधाएँ दी जाती है यहाँ पर, खाने पीने की? जी सब यहाँ व्यवस्था ठीक है। घर वालों से बात हो पाती है? कितने वेद होते हैं? वेद 4 होते हैं। क्रमशः बताइएगा। शुक्ल यजुर्वेद, साम वेद, ऋग वेद, अथर्व वेद, वेद 4। इस चारों वेद में से किसी एक वेद का कोई एक मंत्र उच्चारण करेंगे और बताएंगे कि ये किस वेद का है। पहले हरि ओम मा ई खेत बोर्जे तवा बायावस्था देवो वाहा सविता परार्पया तु श्रेष्ठता मा या कर्मणा आपिया यदवा मंग्निया इंदरा या भागं पराजावती रनमीवा अयक्षमा मा वस्ते न ईशतमा घसगं सोदरुवा अस्मिन् गो पतौ सिया तपहवीर्जजमा नसिया पासुन पाही। शुक्ल यजुर्वेद का पहला अध्याय के पहला मंत्र।
किस तरह का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का अभ्यास रहा? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले युग को आप एक युग परिवर्तन दे पाएंगे? जी जरूर दे पाएंगे। किस तरह से, आगे आपका क्या स्कोप है, आप क्या बनना चाहते हैं यहाँ से शिक्षा पाने के बाद? टीचर। टीचर, किस चीज़ का टीचर? वेद का। वेद के आचार्य बनना चाहते हैं आप आने वाले समय में? जी। बहुत बढ़िया। और बाकी सब विषय की पढ़ाई आपने की है, इंग्लिश, मैथ, ये सब? जी। किस वर्ग में हैं अभी आप? हम अभी तो हम पंचम वर्ष में हैं। हम सीतामढ़ी जिला से हैं। सीतामढ़ी जिला से हैं जी। कितना साल हो गया आपको? मेरा चतुर्थ वर्ष चल रहा है। चतुर्थ वर्ष चल रहा है, बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? आदित्य कुमार मिश्रा। कितना साल हुआ आपको? चतुर्थ। चतुर्थ। आपका? सचिन कुमार तिवारी। सचिन कुमार तिवारी, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से। कितना साल हुआ आपको? पंचम वर्ष। पंचम वर्ष में है। कोई दूसरा मंत्र का उच्चारण आप कर पाएंगे बताइए, कौन से वेद का आप बताना चाहेंगे? अथर्ववेद का। तेना चेतन वे संकारं पृथिवीं ते निसेचनं वैष्टे अस्तु बालते। बहुत अच्छा लगा, देखिए कितना सुकून मिलता है। और बच्चे लोगों की स्थिरता को आप समझिए, कितना अस्थिर है इनका दिल, एकदम कोई भी जवाब बहुत ही आराम से, बहुत ही सोच कर, बहुत ही संयम रख कर देते हैं। तो ये होता है हमारा वेदों का ज्ञान। वेद के साथ साथ यहाँ योग भी सिखाया जाता है जी। सुबह में सीखते हैं? जी सुबह में। कितना देर तक होता है प्रैक्टिस? एक घंटा। एक घंटा योग होता है। सारे योगों का ज्ञान हो गया आपको? कौन कौन सा योग सीख रहे हैं उसमें? पद्मासन सीख रहे हैं और कुछ कुछ ऐसे सीखे। आप क्या सीखे? वही पद्मासन। पद्मासन सीखे हैं। हम सूर्य नमस्कार सीखे हैं। सूर्य नमस्कार जी रोज करते हैं? जी रोज एक घंटा अभ्यास करते हैं। कैसा लगता है अभ्यास करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। सूर्य नमस्कार। किसी तरह का तनाव लगता है यहाँ रहकर? किसी भी तरह का तनाव कि हम यहाँ हैं पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर, आप लोगों को? नहीं, किसी भी तरह का नहीं। खेल कूद किस तरह से कर पाते हैं यहाँ, किस तरह से मनोरंजन के लिए क्या सुविधाएँ हैं? क्रिकेट है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, सब इस कैंपस में होता है, आप लोग कर पाते हैं? बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे शिक्षा ली जाती है, शिक्षा दीक्षा। और हमारे आचार्य जी से भी मैंने आपको बात कराया, और सारे विद्यार्थी जो हैं, सारे छात्र हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे विद्या ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी है यहाँ पे, बहुत चीज़ें हैं जिससे कि छात्रों का बहुत ही अच्छा दिन गुजरता है, दिल लगता है यहाँ पर। और ये जो विद्याएँ ये जो ले रहे हैं अपने पूरे भारतवर्ष में, इस विद्या को ये फैलाएँगे। ये जो स्टूडेंट हैं केवल और केवल वेदों का ज्ञान लेकर वेद के ही शिक्षक नहीं बनेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया, वो कुछ और भी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये विद्या लेने के बाद वो किसी भी फील्ड में जाते हैं और जा सकते हैं, उनको पूरी तरह से आज़ादी है। आइए हम एक और आचार्य से यहाँ पे बात करेंगे। श्रीमान प्रणाम। नमस्कार। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम अजीत कुमार तिवारी और मैं यहाँ पे अथर्ववेद का टीचर हूँ, अथर्ववेद बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। वेदों का ज्ञान समाज में बहुत धीरे धीरे घटता जा रहा है, जैसा कि बहुत सारे अनुभवी लोग कह रहे हैं, क्या इसका कारण, मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि लोग अपना संस्कार को लोग भूलते गया है, अपना वेद को भूलते गया है। मूल हम लोग का जो संस्कृति वेद ही, वेद हजारों हजारों साल पुराना है, इसका कोई यह नहीं है। और हम लोग ही नहीं पढ़ेंगे वेद तो कौन जानेगा, इसी के हम लोग वेद का प्रचार प्रसार के लिए जो है हम लोग वेद का गुरुकुल हैं, आश्रम खोले हैं, जो पूरे बिहार से हर गांव गांव से बच्चे को बुलाकर हम लोग वेद को पढ़ाते हैं, ताकि वेद को जाने और गांव में जाकर अपना वेद के बारे में बताएं, वेद का प्रचार प्रसार करें कि मेरा वेद क्या है, इसका अर्थ क्या है, सब अर्थ के बारे में हम लोग बच्चे लोग को बताते हैं। और यह गाँव में जाकर बताते कि मेरा मूल चीज़ वेद ही है, वेद से पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले वेद ही आया, इसके बाद ही कुछ है। अगर हम लोग वेद को भूल जाएँ तो सब कुछ भूल जाए। अरे पेड़ के, अगर पेड़ लगाते हैं और पेड़ के जड़ अगर सूख जाए तो क्या डाली उपन पाएगा? तो हम लोग पेड़ का जो है जड़ है, यानी कि वेद जो है हम लोग का मूल संस्कृति का जड़ है, उसी को हम लोग बचाने के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, पूरा बच्चे लोग को हम लोग पढ़ाते हैं और समझाते हैं। आप श्रीमान, आपका टाइटल तिवारी है जी जी, ब्राह्मण समाज के लोगों का ही केवल ये जिम्मेवारी नहीं है? नहीं, सभी लोग को, सभी सनातन, सभी हिंदू धर्म के लोगों को ये, चाहे वो किसी भी वर्ग के, किसी भी कास्ट में हो, कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक मिथ्या सा बना हुआ है कि अगर मैं वेदों का ज्ञान लेता हूँ तो कहीं मैं पंडित ना बन जाऊँ, इस तरह का तो कुछ नहीं है? ज्ञान लेना, ये पंडित नहीं है कि ज्ञान लेंगे तो पंडित बनेंगे, अपना संस्कार का पता चलेगा ना कि हम संस्कार में कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। यह वेद में यह सब बताया गया है, सोने से लेकर जागने तक का पूरा वेद में ही बताया गया है।
आजकल लोगों को ये भी नहीं पता कि कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये लोग जो अगर वेद में है सब बताया गया है, ये नहीं कि वेद अगर ये सब जान जाए तो फिर जीवन धन धन हो जाएंगे। वेदों के अंदर बंध के नहीं रहना है, आप वेदों का ज्ञान लीजिए, अपना सारा कार्य करिए। जब आप अनुशासन में आ जाते हैं, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आपका भविष्य और आने वाले जो आपके भविष्य हैं, आपके बच्चे हैं, जो आपके आने वाले जनरेशन है, आने वाला जो युग है, वो बदलता है। इससे कहीं ना कहीं आज की आधुनिक दुनिया में हम इन चीज़ों को विलुप्त करते जा रहे हैं, जिसका मूल कारण हम स्वयं हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। और हमें चाहिए कि इस विद्या को, वेद को हम लोग आगे बढ़ाएं, इसकी शिक्षा लें, और बाकी सब काम होता रहेगा, आपकी ज़िंदगी वैसी ही चलती रहेगी। जब आप इस चीज़ का ज्ञान लेंगे तो आप एक अनुशासन में आ जाएंगे और अपने जीवन को जीने की शैली को आप समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले आपने। एक मैसेज बताइए लोगों को कि क्यों हम वेद से जुड़े, खास मैसेज बताइए सर। इसलिए जुड़े कि जो समाज में विकृतियाँ आ गई हैं, भाई भाई में झगड़ा, समाज में विकृति आ गए हैं, और वेद से जुड़ेंगे, वेद का कुछ अर्थ जानेंगे, वेद का ज्ञान लेंगे, तो जो है ये विकृतियाँ जो है अपने आप समाप्त होती जाएगी। जो गांव-गांव में, जो अपने घर में अशांति फैला हुआ, क्यों फैला हुआ? इसी के लिए, जो हम लोग इसका ज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में नहीं जान रहे वेद है क्या, इसीलिए इतना सारे चीज़ हुए हैं। और वेद का ज्ञान ले लेंगे, सब अपने आप शांति वातावरण होंगे। वेद का ज्ञान प्राप्त कीजिए, पटना में आइए, और इस जगह पर बाबा जी, इस जगह का आप लोकेशन थोड़ा मुझे ज्ञान कराइए। यह संत पशुपतिनाथ वेद विद्यालय, राम जानकी मंदिर, विद्यापति मार्ग। किसी भी वर्ग के बच्चे लोग आ सकते हैं, ज्ञान लेना, सभी लोग के ज्ञान लेने के लिए। आप यहाँ ज्ञान लेने के लिए जरूर आएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, साथ साथ हम लोग गीता भी पढ़ाते हैं। वेद के साथ साथ आपको यहाँ गीता भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश है, मैथ है, सभी विषय को पढ़ाई करते हैं। संगीत भी बच्चे लोग को सिखाया जाता है, संगीत भी सीखे, मनोरंजन भी करवाते हैं, खेल कूद भी करवाते हैं हम लोग बच्चे लोग के, सब कुछ रहता है। केवल आपके सर पे वेदों का भार नहीं दिया जाएगा, साथ साथ आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी, आपको हर वर्ग का पढ़ाई जो है एकदम आधुनिक तौर से कराया जाएगा, इसमें आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। आए आप यहाँ पर, ज़रूर वेदों का ज्ञान लें इस जगह पर, पशुपतिनाथ विद्यालय में, जो कि डाक बंगला चौराहा के बहुत ही नज़दीक में है, और यहाँ पे बगल में जादूघर है, उसके पीछे ही पड़ता है ये। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार, चर्चा फॉर यू।